रोचन आश्ता है स्कूल मैथमेटिक्स की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम के ऊपर बात किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था। आज हम लोग 11th क्लास के पहले चैप्टर की ओर जा रहे हैं और उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। क्या होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, कैसे बनती हैं, उनको ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं, इसके बाद उनका मल्टीप्लाई, एडिशन, गुणा, भाग, ये सारी चीजें कैसे करते हैं, हम इन सब के ऊपर बात करेंगे आज के दिन। ठीक है, तो पहले तो इस बात को समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है वास्तव में। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है और आप ये जानते हैं कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास में x की वो वैल्यूज आती हैं जो उस द्विघातीय या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। जैसे इसको जब हल करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर या x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 यानी कि प्लस माइनस 1 देता है। उसी तरह अगर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को हल करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। प्लस माइनस हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर इस समीकरण में हम x की जगह पर प्लस 2 लिखें या x की जगह पर माइनस 2 लिखें तो वो जो समीकरण है, ये वाला समीकरण, ये संतुष्ट हो जाता है। तो ये जो प्लस 2 और माइनस 2 होता है, इस द्विघातीय समीकरण का क्या होता है, हल होता है। ठीक बच्चों, अब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे पास में ये जो हल निकल रहा होता है उस द्विघातीय समीकरण का, वो एक ऐसा हल होता है जो कि वास्तविक संख्या नहीं होती है। ये जो प्लस माइनस 2 निकला है ये तो वास्तविक संख्या है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है। लेकिन जरा आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा समीकरण हो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब इसका मतलब समझिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसका स्क्वायर अगर करें तो माइनस में वो नंबर आ जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं यानी उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई x है ही नहीं जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। कोई ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके स्टूडेंट्स। तो फिर हमने इस समीकरण का हल निकालने के लिए एक नंबर की कल्पना करी और उस नंबर को कहा आयोटा। क्या कहा? आयोटा कहा। और उसकी मदद से एक नए तरह के नंबर्स को हमने बनाना शुरू किया। कैसे, समझिएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 तो हमने इसको इस तरह से लिखा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस। इस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को हमने एक नया नाम दिया बच्चों, उसे नाम दिया हमने i। इस i को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो x आया है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, अगर आप इस आयोटा को यहां से रख देंगे तो ये इसे संतुष्ट कर देगा। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा और x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, माइनस 1। मतलब कि अगर हम i स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और जब ये स्क्वायर हटा के यहाँ पर हमने कर लिया रूट चढ़ाया तो हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस i मिल गया। मतलब कि माइनस 1 का स्क्वायर रूट हमें क्या देता है, i देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू i है तो अगर दोनों ओर स्क्वायर कर दें है ना तो x स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर हो जाएगा। और i की वैल्यू कितनी होती है, रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रूट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो रूट हट जाता है तो माइनस 1 आ जाएगा। मतलब कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है। और यहां पर ये समझने की बात है स्टूडेंट्स
कि ये जो आयोटा आया था, ये जो आई आया था, ये किस समीकरण का हल करने पर आया था? x square plus 1 is equals to 0. और ये जो आयोटा होता है स्टूडेंट्स, ये एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना? ये एक इमेजिनरी नंबर होता है स्टूडेंट्स, जिसको कि xy प्लेन पर प्लॉट नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि xy प्लेन में तो ये भी रियल लाइन होती है और ये भी रियल लाइन होती है, और ये आयोटा जो है ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, तो मतलब ये तो यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, ठीक है ना? तो इस आयोटा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने एक नया प्लेन बना दिया है, ठीक है ना? क्योंकि लुक, यहां पर तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और प्रत्येक रियल नंबर हो सकता है. और जब यहां पर प्रत्येक रियल नंबर होगा तो हम उस प्रत्येक रियल नंबर के करस्पोंडिंग एक इमेजिनरी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 को हल करो तो क्या आएगा? तो ये ऐसा आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना? और -4 के स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 * 4, और फिर इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 * स्क्वायर रूट ऑफ 4. और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है? i, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि x = कितना आ गया? 2i आ गया. मतलब कि इस समीकरण का जो हल है वो x is equals to plus minus लगा लीजिएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हमने लिया है, तो x is equals to 2y आ गया. और जब इसका फिर दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? x square is equals to minus 4 हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिएगा कि i is equals to होता है कितना? i is equals to होता है root minus 1, ये पहली चीज इसे ध्यान रखिएगा. I is equals to root minus 1, I square is equals to minus 1. और ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इसी से बना हुआ है. कैसे? दोनों ओर स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर लगा दो, यहां भी स्क्वायर लगा दो, तो ये I square बन जाएगा, और ये root के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो minus, तो ये root हट जाता है जब स्क्वायर आता है. तो I square की वैल्यू कितनी? तो I square की वैल्यू minus 1. और अगर मैं पूछूं I cube की वैल्यू कितनी आएगी तो आप क्या बोलेंगे? बहुत आसान, दोनों ओर i से मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखो ये आया. गणित में, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज करना चाहते हैं आप तो दोनों ओर करो तो वो सही है, अदरवाइज नहीं है. जैसे दोनों तरफ एक ही चीज घटाने, जोड़ने, गुणा, भाग करने से जो मौलिक संख्या होती है उनमें कोई अंतर नहीं आता. तो i स्क्वायर अगर -1 है और दोनों ओर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें? दोनों ओर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं i से. देखो इधर भी i से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? i क्यूब, और ये i का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? -i. मतलब i क्यूब की वैल्यू कितनी? i क्यूब की वैल्यू -i. और अगर मैं पूछूं i रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू, i 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i into i, छोड़ के लिख सकते हैं ना, ये याद, ये पता है कि नहीं कि x square into x square is equals to x की पावर 4 होता है, पता है? तो इस x की पावर 4 जो है उसको तोड़ के लिखा जा सकता है ऐसे भी, x की पावर 4 is equals to x cube into x की पावर 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है. क्योंकि जब दो आधार, जब दो एक जैसी संख्याएं होती हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं. तो इस i की पावर 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, i into i raised to the power 3. और i की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? तो यहां पर क्या लिख दें हम लोग? अब -i का i में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ऊपर पे -1. तो ये क्या हो जाएगा? -1 into -1 कितना? तो मतलब i की पावर 4 की वैल्यू कितनी? 1. i की पावर 4 की वैल्यू 1.
यानी कि अगर i की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि i की पावर 5 बराबर कितना होता है, i की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, तो i की पावर 5 अगर लाना है तो क्या करेंगे, है ना, इसको तोड़ दो, i की पावर 5 को तोड़ दो, क्योंकि मुझे i की पावर 4 का मान पता है, 5 का नहीं पता है, तो मैं इसको तोड़ देता हूं, i की पावर 4 * i की पावर 1, तोड़ सकते हैं ऐसे। अब i की पावर 4 का मान क्या है, 1, तो 1 * i, ये कितना आ गया, पूछ लूं कि i की पावर 6 = -1, एग्जैक्टली -1, ठीक, i की i रेस्ट टू द पावर 6 की वैल्यू -1, और अगर हम ये पूछें कि i रेस्ट टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी है, माइनस, एग्जैक्टली इट्स अ माइनस, और i रेस्ट टू द पावर 8 की वैल्यू +1, i इज इक्वल्स टू रूट -1, i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, i क्यूब इज इक्वल्स टू -1, i रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू +1, i रेस्ट टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू +i, i रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू -1, i रेस्ट टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू -i, i रेस्ट टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू +1, इसे देख लेना और इसे i की पावर 4 3 की वैल्यू भी i की पावर 4 की वैल्यू भी +1 और i की पावर 8 की वैल्यू भी +1, और इसके पहले i स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, ठीक, i स्क्वायर की वैल्यू थी -1, ठीक, और i तो भी i स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो i रेस्ट टू द पावर 5 i हो गया, और i रेस्ट टू द पावर 6 की वैल्यू हो गई -1, फिर i रेस्ट टू द पावर क्यूब की वैल्यू कितनी थी, -i, तो i रेस्ट टू द पावर 7 की वैल्यू भी -i, फिर i रेस्ट टू द पावर 4 तो 1 और ये 1। अब अगर कोई तुझसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i रेस्ट टू द पावर 9, तो आपका क्या जवाब होगा, यस, अरे बहुत आसान है, i की पावर 8 इज इक्वल टू 1, दोनों और i का मल्टीप्लाई करो, तो यहां i की पावर 9 हो जाएगी, और यहां i आ जाएगा 1 * i, i बहुत आसान। अगर मैं पूछूं i की पावर 10 बराबर -1, एग्जैक्टली i रेस्ट टू द पावर 11 इज इक्वल टू -i, -i, और i रेस्ट टू द पावर 12 इज इक्वल टू, अब फिर देखो चीज, i रेस्ट टू द पावर 100 इसकी क्या वैल्यू है, बहुत आसान, सबसे पहले ये देखो कि 100 में क्या 4 का भाग जाता है, इस i की पावर 100 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, और इसे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, और i की पावर 4 का मान क्या होता है, 1, और 1 की पावर 25, यानी हर वो संख्या जिसमें 4 का भाग जाएगा वो अगर i की पावर है तो उसका आंसर हमेशा +1 ही आएगा, और अगर कोई तो आपसे ये पूछ ले कि i रेस्ट टू द पावर 103 का मान कितना होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर i की पावर 103 को लिख सकते हैं, और हमें ये पता है कि i की पावर 100 यानी 100 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि i की पावर 100 मल्टीप्लाई i की पावर 3, अलग अलग कर दिया, हमें अब ये पता है कि इसमें क्योंकि 4 का भाग चला जाता है 100 में, तो इसका मान तो 1 आने वाला है, पक्की बात है, है ना, और इसका मान, अब i क्यूब का मान बताओ कितना होता है, माइनस, और 1 में माइनस i का मल्टीप्लाई, तो अभी समझ में आया पक्का, अब ऐसे i की किसी भी पावर का मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल जाता है, इसका क्या होगा भाई, i रेस्ट टू द पावर 36 को आप i रेस्ट टू द पावर 9 * 4 नहीं लिख सकते क्या, और i रेस्ट टू द पावर 4 को बाहर लिख दीजिए 9, सही गलत तो नहीं है, और i की पावर 4 का मान होता है 1, पावर में 9, और फिर ये
अरे भाई जब ये चीज पता है कि कोई सी भी संख्या में अगर चार का भाग जाएगा और वो आई की पावर में है तो उस आई की पावर का मान हमेशा एक ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया कि हम आई की किसी भी पावर का मान कैसे निकालते हैं। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि आई की पावर 4, आई रेस टू की पावर 8, आई रेस टू की पावर 12, इन सब के मान एक जैसे हैं और उनके बीच में जरा मान देखिए, उनके बीच के जो मान है बिल्कुल वैसे ही रिपीट होते हैं जैसे कि पहले वाले। मतलब कि हर वो नंबर जिसमें चार का भाग जाता है वो अगर आई की पावर में है तो उसका मान हमेशा प्लस वन होगा, और फिर जिस तरह से आई की पावर बढ़ेंगी और उस नंबर तक जाएंगी जहां पर चार का भाग जाने लगे तो उसका क्रम वही होगा जो क्रम ये है। मतलब आई की पावर 4n इज इक्वल्स टू प्लस वन, आई रेस टू दी पावर 4n इज इक्वल्स टू ऑलवेज प्लस वन चाहे n कुछ भी हो, आई रेस टू दी पावर 4n प्लस वन इज इक्वल्स टू i, आई रेस टू दी पावर 4n प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस वन बिकॉज i स्क्वायर, I raised to the power 4n plus 3 is equals to minus i, or I raised to the power 4n plus 4 is equals to plus 1. This one. Repeat again. ठीक? तो हम लोगों ने ये समझा कि imaginary number i होता क्या है, और i की different different जो degrees होती हैं, power जो होती हैं, उनके मान क्या होते हैं? ये important है बच्चों, exam में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। और now, अब इस i को समझने के बाद में हम ये देखते हैं कि इस आई का जब रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हम लोगों को स्टूडेंट्स एक नया नंबर मिलता है। मतलब हमें एक नए तरह के नंबर्स मिलते हैं जो कि इमेजिनरी नंबर है बच्चों, क्योंकि इस आई का किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट पूरा जो नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो हम लोगों को बच्चों इमेजिनरी नंबर मिलने रखते हैं, ठीक, इमेजिनरी नंबर्स मिलने रखते हैं, ठीक है ना। और जब हम एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को जोड़ देते हैं तो जो नया नंबर बनता है उसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर और सम्मिश्र संख्या क्या होता है? बेसिक थी बच्चों, सम्मिश्र संख्या बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। जब आप एक रियल नंबर लें प्लस आई दूसरा रियल नंबर लें और ये कुछ इस तरह से हो a प्लस आई बी, तो ये जो नंबर होता है इसी को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या में ये जो होता है, ये होता है वास्तविक भाग। क्या होता है? ये वास्तविक भाग, या इसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। और ये जो b होता है इसे बोलते हैं काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग या इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सम्मिश्र संख्या में दो चीजें होती हैं, a प्लस आई बी। ए का मतलब यहाँ पे कोई नंबर है और b का मतलब भी कोई नंबर है। और जब एक नंबर आयोटा के साथ हो और एक नंबर बिना आयोटा के हो तो वो जो नंबर होता है उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। और यहाँ पर a और b, ये दोनों a और b क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे 2 प्लस 3i क्या है तो ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें 2 क्या है? वास्तविक भाग है और 3 क्या है? काल्पनिक भाग है उस सम्मिश्र संख्या का। अगर आपसे कोई कहे माइनस 3 माइनस i तो आप कहेंगे कि माइनस 3 उसका वास्तविक भाग है और i, i के साथ में क्या है? माइनस 3 प्लस माइनस 1 और i, तो i के साथ में क्या था? माइनस 1 था, तो माइनस 1 क्या हुआ? काल्पनिक भाग हो गया। किसका? इस सम्मिश्र संख्या का। समझ में आ रही है बात? तो सम्मिश्र संख्या मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जो कि दो भागों से मिलकर बना हो, है ना, एक रियल भाग यानी वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। फिर इतनी बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या में या कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा इंपॉर्टेंट होता है, और आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है, और उसी काल्पनिक संख्या की मदद से
आप सम्मिश्र संख्या बनाते हैं। अगर किसी सम्मिश्र संख्या में रियल पार्ट नहीं है, जैसे मान लो कि कोई पूछे ये क्या है, तो ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसका कि जो वास्तविक भाग है वो शून्य है, मतलब 3i को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है ना। तो मतलब ये एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसमें वास्तविक भाग शून्य है और काल्पनिक भाग 3 है। लेकिन जब वास्तविक भाग शून्य होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या में, तो वो जो नंबर होता है, वो जो सम्मिश्र संख्या होती है, वो पूर्णतः काल्पनिक होती है। क्या होती है? पूर्णतः काल्पनिक होती है। और जब किसी सम्मिश्र संख्या में, जैसे ये 2 है, तो 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 है, तो ये जो 2 है ये भी सम्मिश्र संख्या है जिसमें की काल्पनिक भाग नहीं है। सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक काल्पनिक भाग और एक वास्तविक भाग। ठीक है, काल्पनिक भाग के साथ में आई रहेगा हमेशा और वास्तविक भाग के साथ आई नहीं रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निरूपण, है ना, सम्मिश्र संख्या का निरूपण। सम्मिश्र संख्या को अक्सर हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं और z इज इक्वल्स टू होता है x प्लस i y, जहां पर x और y दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन y क्या होता है, काल्पनिक भाग संख्या का, और x क्या होता है, वास्तविक भाग। ठीक, तो मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या हमेशा दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। अब हुआ ये कि अभी तक हमारे पास में जो xy प्लेन था, क्या था, xy प्लेन, उसमें जो दोनों एक्सिस क्या होती थी, रियल लाइन होती थी। तो अब हमने इस काल्पनिक संख्या या ये जो काल्पनिक भाग है, इसके लिए एक नया प्लेन बनाया। क्या बनाया? एक नया प्लेन बनाया, और उसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र तल। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोगों ने क्यों बनाया है? सम्मिश्र संख्याओं को ग्राफ पर दिखाने के। सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल्स टू x प्लस y को एक तरीका और है लिखने का, x कॉमा y, जहां पर ये जो है ये हमेशा पहला वाला जो भाग है ये वास्तविक भाग रहेगा और दूसरा वाला काल्पनिक भाग रहेगा। और इस x कॉमा y को हम लोग इस ग्राफ पर निरूपित कर सकते हैं। वास्तविक भाग को हम लोग हमेशा यहाँ पर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग हमेशा वास्तविक भाग यानी x को लेंगे, और ये रहेगा काल्पनिक भाग i y, और काल्पनिक भाग को हमेशा कहाँ लेंगे, y एक्सिस, कहाँ पर, y एक्सिस। अब मान लो कि अगर आपसे कोई कहे, समझना हा? अगर मान लो आपसे कोई कहे कि 2 प्लस 3i को ग्राफ पर दिखाओ या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाओ, सम्मिश्र तल पे दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे? जैसे अभी तक दिखाते थे, 2 प्लस 3i का मतलब होता है 2, 3, और 2, 3 मतलब 1, 2 और 3, कहां पर, 1, 2, 3, 2 प्लस 3। समझ में आया? आप इस 2 प्लस 3i को ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखाया कैसे जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बिंदु, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक बिंदु, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर कैसे दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, ये हम लोग सीख रहे हैं। समझ में आएगा? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 is equals to -2, -3i, तो ये कहाँ पर होगा, बता सकते हो? इस साइड होगा और नीचे होगा, मतलब तीसरे चतुर्थांश में होगा, है ना? यानी कि -1, -2, -1, -2, -3, ठीक है? तो ये यहाँ कहीं पर होगा, -2 और -3, ठीक, राइट? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2, -3। एक और संख्या लेते हैं, मान लो कि अपने पास में एक z2 है, ये है 2 माइनस 4i, तो इसको कहाँ पे निरूपित करेंगे, तो ये और -4 नीचे, मतलब ये यहाँ कहीं पर 2 माइनस 4i, सही है?
और अगर मैं ये कहूँ माइनस वन एंड प्लस टू आई, ये कहाँ पर होगा? माइनस वन तो ये इधर होगा, ये रहा माइनस वन, ये यहाँ पर, तो मतलब यहाँ कहीं पर है ना, माइनस वन प्लस टू आई। और अगर मैं ये कहूँ कि माइनस एट प्लस जीरो आई, ये कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा, मतलब कि दो तीन चार पाँच छ सात आठ, मतलब ये जो नंबर है यही वास्तव में माइनस एट प्लस जीरो है, यही वाला, क्योंकि y का मान क्या है? जीरो है, मतलब कि काल्पनिक भाग है ही नहीं, तो काल्पनिक भाग नहीं है मतलब आप वास्तविक संख्या पर ही रहोगे, वास्तविक रेखा पर ही रहोगे, काल्पनिक भाग की विषम में, ठीक। और अगर मान लो आपसे मैं ये कह रहा हूँ थ्री आई, ये कहाँ पर है? इसमें वास्तविक भाग है तो ये केवल काल्पनिक भाग है, तो ये कहाँ पर होगा? थ्री आई। और अगर कोई आपसे ये कह दे जीरो माइनस फाइव आई, ये कहाँ पर होगा? ये अलग नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक बिंदु है, ये सब क्या होते हैं? बिंदु होते हैं ये। और ऐसा नहीं होता है कि माइनस फाइव तो नीचे होगा और जीरो यहाँ होगा, तो आप तो अलग अलग बता रहे हो, ऐसे नहीं, ये पूरा का पूरा बिंदु कहां पर होगा? इस बिंदु का मतलब ये है कि वास्तविक भाग जहां पर शून्य हो और काल्पनिक भाग क्या हो? माइनस फाइव आए। इस पर वास्तविक भाग हमेशा शून्य होता है, इस पूरी लाइन पर कहीं पे भी चले जाओ भाई, भले बहुत ऊपर चले जाओ चाहे बहुत नीचे चले जाओ, वास्तविक भाग हमेशा शून्य होता है इस पर, और इस वाली पर हमेशा काल्पनिक भाग शून्य होता है भले कहीं पर भी रहो। तो इस लाइन पर अगर कोई नंबर है तो उसमें ऑटोमेटिकली वास्तविक भाग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो माइनस जीरो माइनस फाइव आई कहाँ होगा? एक दो तीन चार और ये माइनस पांच, तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जीरो माइनस फाइव आई, और इस जीरो माइनस फाइव आई का मतलब क्या है? माइनस फाइव आई, क्योंकि जीरो को साथ में लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर कहाँ पर है बताओ? दो तीन चार पांच, क्या यहाँ पर हो? ठीक, तो क्या यही बिंदु है जिसके ऊपर फाइव और काल्पनिक भाग की वैल्यू जीरो है? ये बिंदु है पक्का, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे निरूपित करते हैं ये समझ में आ गया? कर लोगे आप? तो ये दो चीजें आज आपने सीखी, एक आई क्या होता है मतलब काल्पनिक संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, और सम्मिश्र संख्या को ग्राफ पर निरूपित कैसे करते हैं, और आई की अलग अलग घात का मान कैसे निकालते हैं, ये इतनी चीज आपने सीखी। कल हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का नंबर एक मापांक क्या होता है और नंबर दो गुणांक क्या होता है। मापांक मतलब मॉड्यूलस, इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलस, और गुणांक मतलब आर्ग्यूमेंट। समझ में आ गया? चलिए दो चीज निकालना सीखेंगे हम लोग, ये भी सीखेंगे कि दो संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना।